जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों का पुलिस अधिकारियों के साथ जुलूस के रूट का सर्वे खबर कानपुर से आ रही है। जमीयत उलेमा के जर्रे एहतमाम 12 रबीउल अव्वल को उठाए जाने वाले जुलूस मोहम्मदी सआवा, जिसे एशिया का सबसे महान जुलूस होने को गौरव प्राप्त है, को पुरानी परंपरा के अनुसार अमन सुकून से मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के एडीओ डीसीपी वेस्ट एसीपी अनवरगंज, एसपी कोतवाली, एसएचओ अनवरगंज, एसएचओ बजरिया चमनगंज फीलखाना मूलगंज व जमीयत के पदाधिकारियों के साथ जमीयत उलेमा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर हलीमुल्ला खान ने जुलूस के रूट का सर्वे किया। कानपुर शहर से 12 रबीउल्ला अव्वल को निकाला जाने वाला जुलूस देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का महान जुलूस माना जाता है, जिसमें लगभग 400 अंजुमनें शरीक होती हैं और 4,00,000 लोग शरीक होते हैं। 14 किलोमीटर लंबे इस जुलूस के शांतिपूर्वक उठाने के लिए इंतजाम शुरू हो चुके हैं। इस साल ये जुलूस 8 या 9 अक्टूबर को उठाया जाएगा। जुलूस को अनुशासनात्मक और बीच में अंजुमनों के कारण पैदा होने वाली अव्यवस्था से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ नगर अध्यक्ष डॉक्टर हलीमुल्ला खां, वरिष्ठ सचिव जुबैर अहमद, फारूकी सचिव शारिक नवाब, सचिव कारी अब्दुल मोहित चौधरी, मौलाना साद खान नदवी, सादिक अमीन ने जुलूस निकालने वाले रास्तों का रूट सर्वे किया, जिसमें नई सड़क से पेच बाग दादा मियाँ चौराहे तक सड़क बहुत खराब पाई गई। बाकी सड़कों पर भी गड्ढे बहुत हैं। नवीन मार्केट कारसेट चौराहे से सद्भावना चौराहे तक की सड़क बहुत खराब है। कंगी मोहाल में बिजली के तार लटकते पाए गए। मदरसा निखट्टू शाह से लेकर लालकुआं रहमानी मार्केट के आगे बाबा स्वीट तक और इधर लाटूस रोड से मेस्टन रोड चौराहे तक कई जगहों पर गड्ढे हैं। सड़कें उखड़ चुकी हैं, पैचवर्क तक नहीं है। जहां पैचवर्क हुआ भी है वहां मिट्टी डालकर खानापूरी कर दी गई है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर हैं। जहां जहां ट्रांसफार्मर है उनके किनारे कूड़ा फैला हुआ है। फूलबाग के अंदर भी कूड़ा घर है लेकिन वहां सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। LIC की तरफ से फूलबाग के अंदर जाना मुहाल है, बेपनाह गंदगी है। इसके अलावा फूलबाग में बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, सड़क निर्माणाधीन है। दूसरी तरफ निकलने वाला रास्ता मलबे के कारण बंद है। पुलिस अधिकारियों ने उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां बैरिगेटिंग की जाएगी। इस अवसर पर जमीयत उलेमा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासिमी ने जुलूस के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकारियों ने समय पर सारे काम कराए जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा की टीम जल्द ही एक बार फिर सर्वे करेगी ताकि कोई कमी ना रह जाए।